प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का एक चैप्टर नंबर बेटा आपका थर्ड है, मोशन इन प्लेन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 8 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहा है कि थ्री गर्ल्स स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर। तो देखिए बेटा, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है कि बेटा ये आपका कोई आपका आइस ग्राउंड है बेटा आपका, और बेटा उसका रेडियस बेटा कितना गिवन बेटा आपका है सेंटर से, मतलब बीपी बेटा कितना गिवन आपका है 200 बेटा आपको मीटर गिवन है। ठीक है, तो बेटा क्या कह रहा है आपका बेटा, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? फ्रॉम पी ऑन द एज ऑफ द ग्राउंड एंड द रीच द क्यू डायगनली। ठीक है, अपोजिट पी फॉलोइंग द डिफरेंट पाथ एज शोन इन फिगर 3.19। तो बेटा आपका देखिए, यहाँ पर आपका ये तीन लड़कियां हैं बेटा आपका, एक ये सी है, ए बी सी। यहाँ पे क्या देखो, तीनों बेटा कहाँ चल रही है, पी से क्यू पर पहुंच रही हैं। और देखो ए वाली आपका ये वाला पाथ चल रही है, सी वाला बेटा आपका ये वाला पाथ चल रही है, और ए वाला आपका ये पाथ आपका फॉलो कर रही है बेटा क्यू पॉइंट तक पहुंचने में। तो हमको बेटा इसमें ये बताना है कि व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर फॉर ईच। तीनों केस में आपका वेक्टर बेटा क्या होगा हमको निकालना है, और कौन सी गर्ल्स का बेटा जो वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट है उसके एक्चुअल लेंथ के बेटा आपके इक्वल है। ठीक है, तो पहले बच्चे उसको स्टार्ट करते हैं आपका। तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन क्या है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर आइस ग्राउंड बेटा कितना आपका 200 मीटर है। द गर्ल्स स्केटिंग ऑन सर्कुलर आइस ग्राउंड अलोंग द थ्री डिफरेंट पाथ एज शोन इन फिगर। तो देखिए, आपको तीन रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ए बेटा आपका ये बी है, ये आपका सी है। थोड़ा देखिए आप डायग्राम, आप बेटा यहाँ से खुद देख सकते हैं बेटा कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट। द डिस्प्लेसमेंट फॉर द ईच गर्ल्स बेटा कितना है, गिवन बेटा कितना होगा एस इक्वल टू पी क्यू, है ना। देखो तीनों केस में बेटा गर्ल्स आपका अलग अलग पाथ को फॉलो कर रही है, ये भी तो दूसरे बेटा पाथ को फॉलो कर रही है, लेकिन दोनों केस में बेटा आपका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा क्या आपका सेम है। बेटा डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या आपका सेम है दोनों का, बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा क्या आपका सेम है तीनों केस में, है ना। तो बेटा यहाँ से बेटा अगर हम इसका इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो बेटा कैसे निकलेगा, बेटा पी क्यू कैसे निकलेगा। तो पी क्यू एक्चुअली बेटा क्या है आपका डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर आइस ग्राउंड। तो बेटा पी क्यू एक्चुअली क्या आपका रेडियस का दुगना है। ठीक है, क्योंकि आपको रेडियस गिवन है, यहाँ से बेटा आपका बेटा पी क्यू बेटा डिस्प्लेसमेंट फॉर द ईच गर्ल्स बेटा कितना आपका आ जाएगा 400 मीटर आपका आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा हम लोग बेटा क्या देख रहे हैं आपका कि जो बेटा सबसे कम जो शॉर्टेस्ट पाथ है बेटा आपका वो बी गर्ल्स का है। देखिए ए का थोड़ा ज़्यादा है, सी ने तो और ज़्यादा पाथ बेटा चला है आपका, बट ए बेटा जो आप बेटा बी गर्ल्स है बेटा क्या बिल्कुल सीधे गई है। तो डैट केस में जो बेटा बी गर्ल्स है उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है बेटा किसके इक्वल है, उसका डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। हमको यही बताना था कि कौन सी गर्ल्स का बेटा आपका शॉर्टेस्ट बेटा पाथ उसने आपका ट्रेवल किया है। तो एक्चुअली बेटा द पाथ लेंथ ऑफ बी गर्ल्स सेम है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, देयर फोर फॉर गर्ल्स बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्टेक। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि जो बेटा बी गर्ल्स बेटा क्या कर रही है बेटा आपका सेम डिस्टेंस बेटा आपका ट्रेवल कर रही है। तो प्यारे बच्चों, इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए उसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parhimalay.com पर अवेलेबल भी है, वहाँ से जाके प्यारे बच्चों उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।